have great opportunities. Delaware has taught us anything's possible. Anything's possible in this country. So God bless you all, and may God protect our troops. Thank you. दुनिया के सुपर पावर अमेरिका में आज से नए दौर की शुरुआत हो रही है। आज जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। पिछले दिनों ट्रंप समर्थकों की हिंसा के बाद बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अपने शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन पहुंचने से पहले जो बाइडेन भावुक हो गए। जो बाइडेन अपने संबोधन के फौरन बाद भावुक हो गए। बाइडेन माइक के सामने से हट गए और रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछने लगे। जो बाइडेन ने यहां पर 12 साल पुरानी बात भी याद की जब वो बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति बने थे। और आज कमला हैरिस जो एक अश्वेत है उनकी सरकार में उपराष्ट्रपति बन रही है। जनवरी 2021 समय रात 10:30 बजे जगह वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। वो वक्त आ गया जिसका दुनिया को 2 महीने से इंतजार था। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अमेरिका में जो बाइडेन आज राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं लेकिन शपथ ग्रहण जिन हालात और जिन आशंकाओं के बीच हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन भावुक हो गए। 12 years ago I was waiting at the train station in Wilmington for a black man to pick me up on our way to Washington where we were sworn in as president and vice president of the United States of America. And here we are today, my family and I about to return to Washington. To meet a black woman of South Asian descent, to be sworn in as President and Vice President of the United States. As I told Bo on that station waiting for Barack and Hunter, I said, and Ashley, I said, don't tell me things can't change. They can and they do. That's America. शपथ ग्रहण के लिए डेलावेयर से वॉशिंगटन रवाना होने से पहले जो बाइडेन अपने आंसू को रोक नहीं पाए और उम्मीद जताई कि अमेरिका पर छाया मौजूदा अंधेरा जरूर छटेगा और वो कमला हैरिस के साथ मिलकर हालात बदलेंगे। जो बाइडेन इस दौरान अपने बेटे को याद करके भी भावुक हो गए। उनका बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देखता था जिसे पूरा करने की जो बाइडेन ने ठानी और 77 की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। Ladies and gentlemen, I only have one regret. He's not here because we should be introducing him as president. Biden ne khud ko apne grihi rajya Delaware ka beta bataya aur Delaware ki janata ka dhanyawad diya. I am proud, 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 proud to be a son of Delaware. I know these are dark times, but there's always light. That's what makes this state so special. That's what it taught me. It taught me the most. There's always light. Excuse the emotion. But when I die, Delaware will be written on my heart. And the hearts of all of us, all the Bidens. परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले उनके पेट्स व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। बाइडेन के डॉग्स का नाम चैंपियन और मेजर है। चैंप साल 2008 से बाइडेन के साथ है। परिवार ने 2018 में मेजर को गोद लिया था। जब बराक ओबामा सरकार में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बने तब चैंप उनके साथ था। बाइडेन का उनके कुत्तों के प्रति प्रेम जग जाहिर है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
अमेरिका के इतिहास में 20 जनवरी का दिन मेले का दिन होता है, जब पूरे अमेरिका के कोने कोने से लाखों लोग शपथ ग्रहण देखने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक संकट से जूझ रहा है। पहले परेड को करीब 3 लाख लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर देखते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि एजेंसियों ने आशंका जताई है कि हमलावर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्रेस में आ सकते हैं और मौका मिलते ही हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पुराने लोकतंत्र का शपथ ग्रहण समारोह इस बार डर के साए में है। अब से करीब 10 घंटे बाद अमेरिका को 40वां राष्ट्रपति मिलेगा। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन ये शपथ वो इमरजेंसी के दौरान लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सिक्योरिटी वजहों से कैपिटल हिल में लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई। सुरक्षा वजहों से कोरोना काल का हवाला देकर के इस बार सिर्फ 200 मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। सिर्फ 1000 टिकट जारी किए गए हैं, जबकि पहले 2 लाख टिकट जारी किए जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फेयरवेल स्पीच में अमेरिका की जनता को संबोधित किया, कैपिटल हिंसा की निंदा की, अपने कार्यकाल को सफल बताया। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं झोंकने को भी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। पिछले 4 साल से दुनिया भर में कुछ सबसे चर्चित नामों में शुमार रहे डोनाल्ड ट्रंप अब पर्दे के पीछे जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म होने के साथ ही आज जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लेंगे। लेकिन जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फेयरवेल भाषण में अमेरिका की जनता से अपने दिल की बात की। भले ही डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का खात्मा विवादों के बीच हो रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो जिस लक्ष्य के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे वो उन्होंने पूरा किया। My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again. For all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. Donald Trump, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो रहे। ट्रंप बाइडेन की जीत को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन जाते जाते वो अमेरिका के नए प्रशासन को गुड लक जरूर कह गए। This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes and we also want them to have luck, a very important word. राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता कम होने का उतना बड़ा प्रमाण नहीं थी, लेकिन कैपिटल हिल में उनके समर्थकों की हिंसा ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के दामन पर बहुत बड़ा दाग है। इसीलिए जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कैपिटल हिंसा की निंदा की। All Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny. Donald Trump ने कोरोना महामारी से लड़ाई में 2 वैक्सीन के निर्माण को अपने कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। Donald Trump ने इसे medical miracle कहा। ट्रंप ने चीन के खिलाफ की गई अपने प्रशासन की कार्रवाई का जिक्र किया और अपने कार्यकाल में अमेरिका को सबसे सुरक्षित जगह बताया। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते इस बात पर भी बेहद गौरवान्वित नजर आए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं झोंका।
I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. सुपर पावर अमेरिका की कमान संभालना, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने का रुतबा रखना, दुनिया के हर फैसले को प्रभावित करने की हैसियत रखने का एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर मौजूद हो, और इस एहसास को खोते वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी थोड़ी भावुक नजर आई। I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America. फिलहाल अमेरिका में ट्रंप युग का अंत हो रहा है और बाइडेन युग की शुरुआत हो रही है। ट्रंप ने दुनिया की राजनीति में अपने असर को बरकरार रखा। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले 4 साल तक अमेरिका को अपनी नीतियों से चलाएंगे। यकीनन उनके फैसलों का असर भी दुनिया की राजनीति में पड़ेगा। अब ट्रंप की विदाई के बाद उनके पास सबसे शक्तिशाली कुर्सी है तो सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह डर के साए में क्यों होगा और किस तरह होगा, ये आप हमारी ये रिपोर्ट देख करके समझ लोगे। लेकिन जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से कितना अलग होगा, इस बार क्या खास होगा, कौन कौन सी परंपरा बनेगी, कौन कौन सी परंपराएं टूटेंगी, ये देखिए। वर्ष 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तब पूरा कैपिटल हिल उनके समर्थकों से भरा हुआ था। लेकिन इस बार जब जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे तब वहां भीड़ नहीं होगी, शोर भी नहीं होगा, और इसके पीछे की मुख्य वजह है कोरोना। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में 200 मेहमान होंगे और वहां मौजूद होकर शपथ ग्रहण देखने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1000 होगी। अगर कोरोना नहीं होता तो 2 लाख लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सकते थे। आमंत्रित सभी लोगों के लिए मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति शपथ समारोह को अमेरिका में इनॉग्रेशन डे भी कहते हैं। लेकिन इनॉग्रेशन डे पर इस बार कोरोना संकट की वजह से शपथ ग्रहण के बाद पारंपरिक इनॉग्रल परेड भी नहीं होगी। इस बार टेलीविजन स्पेशल इनॉग्रल ट्रेड परेड तैयार की गई है और लोगों से अपने घरों में बैठकर समारोह देखने की अपील की गई है। 20 जनवरी की तारीख व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप के विदा लेने और जो बाइडेन के गृह प्रवेश की तारीख बनने जा रही है। An outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. लेकिन अमेरिका के नए विश्वास पर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाएंगे। अमेरिकी परंपरा के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति आमंत्रित करके नए राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस ले जाते रहे हैं। बराक ओबामा ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये परंपरा निभाई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में लगातार 152 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं। जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, उसी दिन जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। I was told that on the way up here, way over here, that he indicated he wasn't going to show up at the inauguration. One of the few things he and I have ever agreed on. It's a good thing I'm not showing up. अपने कार्यकाल के आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने अमेरिका के नागरिकों के नाम अपना फेयरवेल मैसेज दिया है। उन्होंने 6 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि हिंसा को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। I ask every American to be an ambassador of the best.
to focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself. Together, as one national family, we can continue to be the light of hope for future generations and carry on America's legacy of rising our nation to greater heights through our spirit of courage, goodness, and faith. No words can express the depth of my gratitude for the privilege of having served as your First Lady. To all the people of this country, you will be in my heart forever. Thank you